वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर सिंह तो तो चलिए बेटा एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम में में हम 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 आगे बढ़ते हैं हैं तो अब अब तक तक क्या देख चुके अब तक हम जो है काउंट करते हैं एक बार हम हम देख चुके पोरीफेरा को हम देख चुके हैं जो है वो सिलेंटेटा को, हम देख चुके हैं फ़ाइलम टा के अंदर हम इंटर किए फाइलम कोर्टा में हमने सबसे पहले देखा था प्रोटोकोल्टा के बारे में पढ़ा हमने कि उनके बारे में हमने जाना ठीक है और उसके बाद अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें वर्टिब्रेटा के बारे में हमको पढ़ना है बेटा ठीक है ना चलिए तो एक काम करते हैं आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे करता हूं और फिर हम बेटा हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन जिसका आपको उत्तर करना है वो ये है कि बताइए मुझे कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी जीव को आप जो है किसी एनिमल को आप यदि कॉर्डेटा के अंदर रख रहे हैं तो आपको उस पे क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक -क्या दिखना चाहिए के तो कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतlane व्हाट आर दी यूनिक कैरेक्टर्स जो कॉर्डेटा के अंदर आपको देखने मिलते हैं वो आपको बतलाना है दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि सिफेलो कोर्डटा और यूरो में किस बात का अंतर है क्या नोटो के से, नोटो के से, सिफेलो और में किस चीज का अंतर है, ये आपको बतलाना है आपको ये भी बतलाना है और सिफेलो कॉल्टा का एग्जाम्पल तो तो क्या है उसको, उसको बताना है बुक पलट कर नहीं देखना है नोट्स नहीं देखना है जो याद है वो बताना है मैंने पहले भी आपसे कहा कि लेक्चर के दौरान चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए ठीक है

ठीक है चलिए ये दिया गया इमेज किस सब फाइलम में आता है बेटा ये आता सिफिलो में आता है है ना बेटा ठीक है है ना अब हम आज बात करेंगे बेटा वर्टिब्रेटा के तो पिछली बार जहां हमने बात खत्म की थी एक बार उस बात को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेट जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है

वर्टिवल कॉलम को बनाने वाली यूनिट को हम वर्टिबरी वर्टिबरी कहते हैं और जो होती है वो सेगमेंटेशन को शो करती है वो कई सारी होती है, जो को शो करती है। जबकि नोटोकॉर्ड में सेगमेंटेशन जैसा कोई निशान नहीं होता है वो एक सिंगल रॉड के समान हमको दिखाई पड़ती है याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो छुपी हुई है जो एग्जामिनर पूछ सकता है तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो एक सॉलिड रॉड समान होती है जबकि वर्टिवल वर्टिवल कॉलम जो होता है वो एक प्रकार से रिपीटेटिव यूनिट वर्टिबरी से मिलकर बना होता है ठीक है सभी कॉल्टा के अंदर आते हैं लेकिन सभी कॉल्टा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं क्योंकि कुछ कॉल्टा ऐसे होते हैं जो यूरोटा होते हैं कुछ कॉल्टा ऐसे होते हैं जो सिफेलो होते हैं इसका मतलब सभी कॉल्टा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं लेकिन सभी वर्टिबेटा के अंदर आते हैं ठीक है फिर विसाइड द बेसिक अब देखो बेटा याद रखना नॉन वर्टिब्रेट में जो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं नॉन वर्टिब्रेट है उनके अंदर आपको जो है डॉरसल डॉरसल आपको मस्कुलर हार्ट देखने मिलेगा लेकिन जितने भी वर्टिब्रेटा होते हैं उनके अंदर आपको जो है वो वेंट्रल हार्ट देखने मिलेगा मतलब हार्ट आधारित सतह की तरफ होगा वेंट्रल सर्फेस की तरफ होगा हार्ट में दो चैंबर होंगे तीन चेंबर होंगे या चार चेंबर होंगे किडनी होगी जो और का काम करेगी मतलब जो उत्सर्जन का काम करेगी और का काम करेगी और पेड़ जोड़े में जो है वो शरीर से निकले उभार दिखाई पड़ेंगे जो फिन्स के रूप में होंगे या लिम्स के रूप में होंगे एक्वाटिक में फिंस होंगे और जो स्टेरिस्टर होंगे हमको देखने मिलेंगे ठीक है देखिए जितने भी एनिमल आप यहां पर देख रहे हैं होती है, में आती है, सारे वर्ड्स हैं मैमल्स हैं ठीक है, है, है ठीके, हम बात करें बेटा जो है वो एम्पीबियंस हुए ये सबके सब जो है वो वर्टिब्रेटा के आते हैं, मतलब सबके अंदर वर्टिवल कॉलम प्रेजेंट सबके अंदर वर्टिवल कॉलम प्रेजेंट देख लेते हैं चलिए तो मतलब वर्टिब्रेटा में वे जीव प्रेजेंट है जिनके अंदर वर्टिवल कॉलम होता है नोटोकॉर्ड जो है वो एमरॉनिक कंडीशन में दिखाई पड़ती है जो बाद में वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट होती है आपको देखिए रेड कलर से मैंने आपको वर्टिब्रेट वर्टिब्रेटा जो है वो वर्टिवल कॉलम दिखाई दे रहा है is, is this? This is a, ये दिस 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 इज 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 व्हाट वर्टिब्रल कॉलम ठीक है बेटा ये वर्टिवल कॉलम दिखाई पड़ रहा है हमें और इसको बनाने वाली जो यूनिट्स हैं जो इकाइयां हैं वो क्या वो है वर्टिब्री

चलिए देखिए रेप्टाइल्स के अंदर देखिए वर्ड्स के अंदर देखिए बाकायदा आपको वर्टिवल कॉलम आपको देखने मिल रहा है ठीक है ना देखिए नंबर ऑफ वर्टिव में थोड़ा फर्क हो सकता है जैसे आप देखिए मैमल्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है वो सर्वाइकल वर्टिविटी वर्टिव्री आपको सेवन ही देखने मिलेंगे सेवन देखने मिलेंगे बाकी एनिमल में नंबर ऑफ वर्टिवरी वेरी कर सकता है अलग अलग जो है वो क्लासेस के अंदर ठीक है चलिए

चलिए क्या होते हैं वर्टीवेटा एडवांस्ड कॉर्डेट के ये कॉर्डेटा में सबसे अधिक एडवांस होते हैं आधुनिक होते हैं वेल डेवलप्ड क्रेनियम एंड वर्टिवल कॉलम के वर्टिवल कॉलम के बारे में हम जानते हैं कि से मिलकर बना मिल, होता है जो बॉडी को एक प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये वर्टिवल कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट के ये विद फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है के इसके अलावा ब्रेन की सुरक्षा के लिए चूंकि यहां पर जो वर्टिव्रेटा होते हैं उनमें ब्रेन अधिक इवॉल्व होता है बाकी सभी जीव जीवों जीवो की तुलना में इनमें ब्रेन अधिक इवॉल्व होता है तो उस ब्रेन की सुरक्षा के लिए एक टफ जो है वो बोनी कवर बनता है इसको हम स्कल कहते हैं स्कल बॉक्स कहते हैं क्रेनियम वर्ड यूज करते हैं ठीक है। नोटोकॉट प्रेजेंट इन दिन रिप्लेस बाय वर्टिवल कॉलम जो या से बना होगा ठीक है। हम जानते हैं ठीक है देखिए। देखिए अब हम यहाँ पर देखें। ध्यान <coughs> देखे से। आप क्या देख रहे हैं बेटा आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज क्रैनियम दिस इज क्रैनियम है ना एक एक चीज को बेटा अच्छे समझो ठीक है और ये क्या है बेटा ये दिखाई पड़ रही है हमको वर्टिवरी दिखाई पड़ रही है हमको ठीक है ना और वीरी से क्या कनेक्टेड है बेटा ये आपको रिप्स दिखाई पड़ रही है आपको के यदि वर्टिब्री नहीं होगी तो रिप्स कहां जुड़ेंगी भाला रिप्स जो जुड़ी होती है वर्टिब्री पर जुड़ी होती है रिब केज़ है पूरा थॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है अब आप देखिए हमारी बॉडी में आप, आप इस स्केलेटल में से आप को हटा दो

पाना वो सब इसके अंदर अधिक डेवलप इवॉल्व एवा, होता है अब आप में से किसी कमांडो ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया उसने मुझसे कहा पूछा कमेंट में कहीं लिखा कि सर इकाइन और में तो सिफिलाइजेशन नहीं है हेड नहीं है और आप बोल रहे हो आपने खुद बोला कि इकाइनोडर्मिटा इन फाइलम यानी हम बात करते हैं पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा उसके बाद प्लेटी हेलमिंथस एसकेलमिंथस एनलिडा ठीक है फिर ऑर्थोपोडा मोलास्का और आपने कहा है इनसे डेवलप है इकाइनोडर्मिटा ऐसा आपने किस आधार पे कहा देखो बेटा उसके पीछे सबसे बड़ा आधार है उसका ड्यूट्रोस्टोम डेवलपमेंट

तो मतलब यह है कि ड्यूट्रोस्टोम डेवलपमेंट जो है आपको जो है वो बाकी इसके पहले के फाइलम में देखने नहीं मिलता है और वैसा ही डेवलपमेंट कोरिटा के अंदर है इसलिए इसको इसको हम के समीप ठीक है ना तो हायर फाइलम में आ गया बाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो आपकी बात सही है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम वर्टिब्रेट शोज फॉलोइंग कैरेक्टर वर्टिब्रेट में आपको निम्नलिखित लक्षण देखने मिलते हैं

हद तक आपको कुछ हद तक इसमें आपको सेगमेंटेशन देखने मिलता है कहां देखने मिला सिमिलर टाइप की वर्टिबरी बार बार रिपीट होती है सिमिलर टाइप की रिप दिखाई पड़ती है

है ना तो क्या देख रहे हैं इसमें बेटा हम देख रहे हैं कि ये जो जो सर्वाइकल वर्टी ब्रिज आप देखिए वर्टी जो वर्टी ब्रिज दिखाई पड़े, ये पड़े आपको ये वर्टी ब्रिज दिखाई पड़ रही है आपको हट के ये क्या है देखो आप ये आपको बकायदा एक सेगमेंट के रूप में दिखाई पड़ है ये सेगमेंट क्या कहला रहे हैं ये सेगमेंट कर रहे हैं वर्टिबरी कहला रहे हैं सेगमेंट ठीक है ना फिर आप देख रहे हो आपको जो रिप्स दिखाई पड़ रही है ये भी सेगमेंट ये भी सेगमेंट के रूप में दिखाई पड़ रहा है आपको क्या बोला इसको हमने रिप्स कहा इसको हमने ठीक है ऐसी हमको जो एबडमिनल मसल्स होती है वो भी सेट में दिखाई पड़ती है ठीक है ना तो अलग अलग कई सारे तो ये ये सेगमेंटेशन को ये शो करता है ठीक है देखिए ना आप देख रहे हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्री है थोरेसिक वर्टिब्री है लंबर वर्टिब्री है कॉकीजियल वर्टिब्री हमको दिखाई पड़ रही है फिर आप देख रहे हैं ये आपको रिप्स दिखाई पड़ रही है ना तो ये इंटरनल सेगमेंटेशन को शो करता है कॉरेटा के अंदर वर्टिवरेटा के अंदर ठीक है टू पेयर ऑफ एपेंडिक्स होते हैं फिंस होंगे एक्वाइटिक मछलियों के अंदर फिंस होते हैं और बाकी जो दूसरे जो टेरिस्टर होते हैं उनमें आपको लिम्स देखने मिलते हैं

रेटीन प्रोटीन क्रेटीन प्रोटीन से बना हुआ एक्सोस्केलेटल हमको देखने मिलता है जो किस फॉर्म में होता है के रूप में होता है बेटा हेयर्स के रूप में होता है ठीक है या जो है वो आपके फीदर्स के रूप में होता है फीदर्स के रूप में होता है ठीक है क्लियर देखिए अब ये एनिमल्स में जो आपको हेयर दिखाई पड़ रहा वो उसके एक्सोस्केलेटल है वो हेयर्स के रूप में उसके एक्सोस्केलेटल है क्लियर ठीक है बॉडी मसल जो होती हैं, शरीर की मांसपेशियां जो रेखित मांसपेशियां होती हैं वो स्केलेटन से जुड़ी होती हैं और दे हेल्प इन लोकोमोशन दे हेल्प इन लोकोमोशन ये गमन में हेल्प करती है ठीक है जो शरीर की मांसपेशियां बॉडी मसल्स है वो रेखित मांसपेशियां होती हैं वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनको इच्छा के अनुसार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं एंडोस्केलेटल है कंकाल जो होता है वो कॉर्टलेस से बना होता है या बोन से बना होता है या दोनों प्रकार ने कुछ हिस्सा कॉर्टलेस से बना होगा कुछ हिस्सा बोन से बना होगा ठीक है ना तो आपको दोनों प्रकार से भी देखने को सकता है क्या केवल बोन से बना देखने मिल सकता है ठीक है और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये कि देखो बेटा

जो हैं उनकी बॉडी का बॉडी के साथ साथ ग्रो करता है शरीर वृद्धि करता है तो endoskeletal ग्रो, ग्रो, करता है ठीक है ना और इसको तो कहा कि अब आप बोलोगे सर और अपेंडिकुलर स्केलेटल का मतलब क्या है चलो हम ऐसे करते हैं हमने कहा आपसे कि हम जो है वो बचपन में इस प्रकार से कार्टून बनाया करते थे है ना ठीक है बचपन में हम इस प्रकार से, से कार्टून बनाया करते थे चलो ठीक है बना लिया हमने ये है ना ठीक है हमने एक कार्टून बनाया अब इस कार्टून में आप देखो, देखो बेटा जो एक्सेस का एक्सेस क्या है इसका बीच वाला हिस्सा ये हो गया ठीक है है ना और मैंने कहा आपसे कि इसका बीच वाला हिस्सा देखें मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं उसको डायग्राम को मैंने कहा आपसे कि यदि आप इसका बीच वाला हिस्सा देखें तो वो बीच वाला हिस्सा जो बिल्कुल एक्सेस में वो क्या हो गया उसमें क्या आ गया उसमें आप देख रहे हो उसमें आपका आ गया है हेड आ गया इसमें ठीक है और बीच वाला हिस्सा आ गया हेड में क्या है बेटा यहां इसका स्कल हो गया और ये क्या हो गई है ये इसका वर्टीब्रल कॉलम हो गया ये है ना ठीक है फिर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको एक्स्ट्रा आपको दिखाई पड़ रहा है आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिम्स है अपर लिम्स

तब डिटेल में बात करेंगे अभी हम कंफ्यूज नहीं करते अभी हमने इतना कहा कि जो वर्टीब्रेटा है उसका एंडोस्केलेटल बॉडी के साथ-साथ ग्रो करता है और एक्सल और एपेंडिकुलर दो हिस्सों में बटा होता है ठीक है वास्तविक सीलोम देखने मिलती है ट्रू सीलोम होती है और किस तरह की सीलोम होती है वो एंटरोसीलोम होती है एंटरोसीलोम होती है और एंटरोसीलोम क्या होती है बेटा वो आर्केंट्रॉन से इवॉल्व करती है बार-बार बतलाया मैंने आपको ठीक है ना क्लियर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक देखने मिलेगा इसमें लिवर और पैनक्रियास भी होगा इसके अंदर ठीक है सीलोम स्पेशियस होती है विसरल उसके अंदर पाए जाते हैं बेटा रेस्परेशन गिल्स से होगा लंग्स हो जो एक्वाटिक है उनमें गिल से होगा और जो है उनमें लंग्स के थ्रू होगा कुछ ऐसे वर्टिब्रेटा होते हैं जो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं अपने मुंह की लाइनिंग माउथ की जो स्किन है उससे भी रेस्पायर कर सकते हैं जैसे हम एम्फीबिया की बात करते हैं एग्जांपल क्या हो गया इसका एम्फीबियंस के तो कई एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं जो अपनी बक्को फरेंजल लाइनिंग मुंह के अंदर जो लाइनिंग होती है उससे भी जो मुंह के अंदर जो स्किन होती है उसके भी वो रेस्पायर कर सकते हैं। अदरवाइज और लंग्स मेन रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं नर्वस सिस्टम ब्रेन होगा इसमें और स्पाइनल कॉर्ड देखने मिलेगा और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा और इससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो नर्वस सिस्टम को तो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम हम बोलते बोलते हैं हैं सीएनएस लेने की क्षमता होती है, वो है, वो होता है और के, बाकी उससे निकलने वाली जितनी भी नर्व है वो पेरीफरल सिस्टम को बनाती है, ब्रेन को करता है इसको क्रेनियम कहते हैं और येनियम जिनके जिन एनिमल में देखने मिलता है उन्हें हम ठीक है हमारे जो जो क्रेन जो क्रेनियम है जो ब्रेन है ब्रेन से जो नर्व निकलती है ब्रेन से जो नर्व निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है तो ब्रेन से निकलने वाली उन नर्व को हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं ये आठ जोड़ा होती हैं दस जोड़ा होती है बारह जोड़ा होती है पेयर में है मतलब अगेन आपको सेगमेंटेशन यहां पर देखने मिलता है तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व है उन्हें हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं और ये क्रेनियल नर्व जो है वो आठ एट पेयर होंगी या टेन पेयर होंगी या ट्वेल्व पेयर जैसे हमारे अंदर ट्वेल्व पेयर होती है ना जो लोअर वर्टिब्रेटा एंड लॉन्ग टर्म बॉडी को रिस्पांस देने के लिए जरूरी होता है मैंने आपसे कहा है कि बॉडी के के केमिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन की बात करें हम बॉडी को बकायदा समन्वित प्रक्रिया में बनाए रखने की बात करें हम बॉडी के लगातार ग्रोथ करने की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो इमिजिएट

थायरोक्सिन हार्मोन का मेटाबॉलिज्म में बड़ा रोल होता है उपापचय में ये गैस के बर्नर के समान है ना चलो थोड़ा सा हम समझते हैं था, टक जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो गैस के बर्नर के समान है ग्लैंड कभी खाना पकाया पकाया आपने कभी कोशिश किया अरे हमने तो कोशिश किया भाई ठीक कभी कभी क्या होता है मैं मान लो मैंने आ, जो है वो आ, गरम तबाह किया और तबाह खूब गरम हो गया तबाह खूब एकदम तेज गरम हो गया और मैंने उस पर रोटी डाल दी बनाने के लिए या ब्रेड सेकने डाल दी जल जाएगा कि नहीं जलेगा जल जाएगा ना कुछ ज्यादा गर्म है वो यार जो है लो को लो को काफी कम रखा है मैंने फ्लेम काफी कम है उसमें प्रॉपर हीट नहीं मिल रहा तवे को तवा ठंडा है रोटी को उसके ऊपर रखा तो रोटी पक पाएगी क्या नहीं पकेगी क्या करना चाहिए मुझे मुझे फ्लेम सही रखना चाहिए मीडियम पे रखा मैंने बढ़िया तवा गर्म हो रहा है लेकिन उतना गर्म नहीं है कि रोटी जल जाए और उतना ठंडा भी नहीं है कि रोटी ना बन पाए है ना बेटा सही तापमान रखा मैंने रोटी बना ली मैंने हमारी थायराइड ग्लैंड भी क्या करती है मेटाबॉलिज्म में ऐसा ही रोल प्ले करती है यदि ग्लैंड अधिक काम करेगी हाइपर थायराइडिज्म होगा तो बॉडी पतली हो जाएगी आंखें बाहर निकल आएंगी पूरा समय पसीना आ रहा होगा घबराहट होगी अरे मैं एंडोक्राइन का ही काम करता हूं मैं ऐसी पेशेंट देता हूं के डायबिटीज के और यदि मान लो थाड ग्लैंड जो है वो काम नहीं करेगी तो मोटापा होने लगेगा सब कुछ एक्सरसाइज मोटापा जाता ही नहीं है और उदासी रहने लगेगी पूरे समय नींद आएगी के क्योंकि थायराइड जो है ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है की समस्या है तो मतलब बॉडी को प्रॉपर मेटाबॉलिज्म बनाए रखने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है ग्लैंड मतलब एक बड़ा नेक्सस प्रेजेंट है एक बड़ा एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट है जो वर्टिब्रेट के अंदर बेहतर इवॉल्व होता है देखने मिलता है हमको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर

Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. <laughs>

जिनमें मुंह के अंदर जबड़ा देखने मिलेगा आपको जॉ देखने मिलेगा ठीक है देखिए ये फ्लो चार्ट है एनसीआरटी का इसको याद रखिएगा ए बी सी करके पूछ सकते हैं आपसे हटाके लेवलिंग पूछ सकते हैं आपको पता होना चाहिए बेटा ठीक है क्लियर ठीक है याद रखेंगे बिल्कुल बेटा भूलना नहीं ठीक है देखिए क्या लिखा वर्टिब्रेटा डिवीजन दो डिवीजन है उसके बेटा एक गिने था दूसरा है एक में जॉ नहीं होता है में जॉ होते हैं के अब देखो बेटा एक दिमाग में डाल लेना अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं है तो उसके लिए अपने आप को जो है वो तैयार रखना है और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो एनिमल किंगडम हुआ प्लांट किंगडम हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ इन सभी चैप्टर में जितने भी आपके टेस्ट होंगे जितने भी आपके टेस्ट होंगे 99% क्वेश्चन केवल और केवल एनसीआरटी से ही होंगे ठीक है ना लेकिन आप मुझसे बोलो कि सर आप हमको में बेटा वहां पे क्वेश्चन एनसीआर से भी होंगे और एनसीआर से जुड़े हुए कंटेंट से भी होंगे ठीक है तो वहां पर मैं सो परसेंट क्वेश्चन से नहीं दूंगा तो वहां क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है वो दूंगा लेकिन यहां पर मुझे मालूम है कि ये हिस्से ऐसे हैं जहां पर एग्जामिनर के पास बहुत पूछने को स्कोप है और अभी भी एनसीआरटी को बहुत अधिक रिवेल करना बाकी है यहाँ पर तो इसलिए इन हिस्सों को अच्छे से हम सेनसीआरटी से तैयार करेंगे ठीक है ना तो टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा एनिमल किंगडम के लिए

गोल मुंह वाले होंगे उसमें जॉ नहीं होगा उसके अंदर ठीक है फिर जो ग्रोमेटा है उसको दो सुपर क्लास में हमने दो सुपर क्लास मतलब किसमें बटा बेटा सुपर क्लास डिवीजन के नीचे दो सुपर क्लास है ना अब देखो कैसे था, सब था, है ना बेटा तीन सब फाइलम था फाइलम के अंदर दो डिविजन थे देखो याद रखना भूल मत जाना ये एनसीआरटी में उन्होंने लिख दिया है लेकिन वो एक जगह पर नहीं दिया तो मैं आपको बता रहा हूं फाइलम फाइलम के अंदर दो डिविजन एक सुपर क्लास है एक पिसेज और दूसरा पिसेज मतलब सारी मछलियां पिसेज मतलब सारी मछलियां सब तरह की मछलियां तो एक्चुअली में जिसको आप फिश बोलते हो जिसको आप फिश बोलते हो वो केवल पिशेस की मेंबर होती है सिल्वर फिश क्या फिश है सिल्वर फिश क्या है बताइए मुझे अब ये मत बोलना कि बताया नहीं आपने मैंने परफॉर्मेंस शीट भी दिया है में क्वेश्चन में दिया है सिल्वर फिश क्या है कटल फिश क्या है जेली फिश क्या है बताइए आपको बताना है कि ये किस, किस के मेंबर है ने? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिनके मैं नाम ले रहा हूं वो एक्चुअल फिश नहीं है एक्चुअल फिश नहीं है क्योंकि एक्चुअल फिश तो वही हो सकती है नहीं वास्तविक मछली ट्रू फिश वो हो सकती है जो पिसेस का मेंबर हो और पिसेस के अंदर फिन क्या होते हैं फिन होते हैं अब बताइए जेली फिश किसमें आती है ठीक है कटल फिश किसमें आती है ठीक है फिर सिल्वर फिश किसमें आती है जेली फिश कटल फिश सिल्वर फिश ठीक है ये आपको बताना है और ये दो तरह की होती, एक होती है से बनी कौंड्री इक्ष्यास। कौंड्री इक्ष्यास की में आपको से बना हुआ एंडोस्केलेटल देखने मिलेगा ऑस्ट्री में जो है वो ये होती है बोनी फिशेज ठीक है इनमें आपको क्या देखने मिलेगा इनमें आपको जो है वो ये बोनी फिश होगी वो देखने मिलेगा क्या आपको देखने मिलेंगी बोन्स देखने मिलेंगे मछलियां भी दो तरह की होती है एक जो काटलेस से बनी होती है और एक जो बोन से बनी होती है सबसे खतरनाक मछलियां समुद्र के अंदर के टाइगर हैं सबसे खतरनाक प्राणी समुद्र के अंदर के शार्क कॉटलेस फिश है जो है अपना स्टिंग रे है इलेक्ट्रिक रे है स्टिंग रहे किसी आदमी को मार को मार दे अपना डंक तो वो आदमी की बॉडी के आर पार निकाल देती इतना भयंकर भाला जो भाला होता है ना लोहे का बना वैसा होता है ठीक है इतना स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिक रहे ग्यारह हजार वोल्ट के समान भारी करंट कि किसी को टच उसके फील्ड में कोई आ गया ना तो स्टन हार्ट वाट सब रुक जाएगा इतने खतरनाक आगे बात करेंगे हम इस पर कहने का मतलब यह है कि ये बड़ी खतरनाक मछलियां कॉन्ड्रिक में आती है ठीक है और आती हैं वो मछलियां जो आप खा लेते हैं रोहू कतला सब इसमें आती हैं। कहने का मतलब यह है कि जानने का मन किया कि नहीं किया ठीक है फिर टेट्रापोडा की बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा में पेड़ होते हैं लिम्स, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब लिम्ब हमेशा दो जोड़े ही होते हैं बर्टीव में पहले ही बात किया बिनेट के अब यहां पर क्या आते हैं यहां पर एमपी आते हैं फ्रॉक जितने होते हैं सेलामेंडर फ्रॉक एम्फी आते हैं रेप्टीलिया आते हैं पक्षी आते हैं और मेमल्स आते हैं जो चार इसकी क्लासेज है इसमें चार क्लास तो कुल मिला कोई पूछता है वर्टी में कुल कितनी क्लास है वर्टी में कुल कितनी क्लास है बताइए साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक्थियस ऑस्टिक्थियस एम्फीबिया रेप्टीलिया एविज एंड मेमल्स सात हुई की बेटा

Ampibia, Reptilia, Avidian, कोई सुपर क्लास अब यह बात बोलना सर लिखा तो नहीं इसके अंदर कि चार है कहा लिखा अरे दिख तो रहा है सामने तुम्हारे ऐसे भी बच्चे देखे मैंने ऐसे भी कमेंट सुने मैंने. सर ऐसा कहा लिखा था कि विच इज नॉट करेक्ट करेक्ट पूछा करो ना नॉट करेक्ट के पूछ रहा तो भैया ऐसा है पढ़ ले ज्ञान मत दे क्या मत दो ज्ञान नहीं चाहिए हमको हम यहां पे ज्ञान देने आए हैं लेने नहीं आए दादा है ना ठीक है तो अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखिए और पढ़िए जो पूछ रहे है उसका आंसर कीजिए समझ गए ठीक है काश की कोई छड़ी होती जादू छड़ी ठीक है कुछ ना कुछ तो डिवाइस आएगा जरूर के कि मोबाइल में वैसे कुछ ना कुछ डिवाइस जरूर आएगा कि मोबाइल में आपका जो है वो को मोबाइल में से एक पिन निकलेगा बाहर पढ़ते पढ़ते और रहा और बोले टिक पढ़ नहीं रहा कहा ध्यान है तुम्हारा ना? एसा एसा है ना ठीक है चलिए डरा रहा हूं आपको ऐसा हो ऐसा कैसे पॉसिबल है ठीक है लेकिन कहने का मतलब बेटा ये कि ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो कि एग्जामिनर ऐसे चीज ऐसे नंबर्स पे क्वेश्चन करेगा तो हम कंफ्यूज होंगे हमको वहां पे याद करना पड़ेगा ठीक है तो वो पहले से दिमाग में रहना चाहिए ठीक है चलिए अब पहले बात करते हैं हम किसके बारे में हम बात करते हैं पहले जो है वो किसके बारे में बात करते हैं। किस के बारे एक क्लास आती है क्या आती है साइक्लोस्टोमेटा आती है ठीक है क्या होते हैं प्रीमेटिव वर्टिब्रेट सबसे प्राचीनतम वर्टिब्रेट होते हैं बेटा ये ठीक है क्या होते हैं ये सबसे प्राचीनतम वर्टिब्रेट होते हैं ये सबसे प्राचीनतम वर्तिवे होते हैं इनमें क्या नहीं होता है जॉ नहीं होता है इनमें तो मालूम है हमको इंपॉर्टेंट बात है एक ग्रथा है जॉ नहीं होता है इसमें जॉ एपसेंट इसके अलावा पेड अपेंडेजेस वो भी नहीं होते हैं इसमें ठीक है जो पेड अपडिजेस होते हैं वो भी नहीं है फिंस हुआ लिम्स हुआ वो भी इसके अंदर नहीं होगा ठीक है इसमें पेंक्रियाज और स्प्लिन भी हमको देखने नहीं मिलेगा ना तो इसमें पेंक्रियाज इसमें, ना इसमें इसमें इसके होता है, वो पूरे समय देखने मिलता है बॉडी में और इसका वर्टिकल कॉलम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है नोटोकॉर्ड इज नॉट कंप्लीटली रिप्लेस बायर्टिकल कॉलम नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से वर्टिवल कॉलम से रिप्लेस नहीं हो पाता नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से वर्टिवल कॉलम से रिप्लेस नहीं हो पाता है याद रखना यूनिक क्वेश्चन है ये दिमाग में रखना है आप ठीक ना ये निशान लगाऊंगा आप बोलोगे कि ये तो नहीं का मतलब ये मैंने बोला आपसे कि इसमें आपको एक नथा में नोटोकॉट परसिस्टेंट देखने मिलती है और इसमें वर्टिकल कॉलम अंडर डेवलप होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल ओपनिंग होती है जो नोस की ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं बेटा इसमें, है, इसमें, इसमें एक होता है एक इसमें एक हमारे से दो वन एंड टू इसमें एक होता है इंटरनल ईयर हैज वन टू टू सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे ईयर में क्या है एक ईयर में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती है अब ये क्या होती है हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे अभी दिमाग में रखो कि हमारे ईयर के अंदर ऐसी जो है वो हमें ऐसी केनाल हमको देखने मिलती है जो तीन होती है इसमें दो देखने मिलेंगे आपको सिंगल गुनाट के इनमें जो 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 टेस्टिस है या जो ओवरी है वो केवल एक अकेला होगा एक सिंगल गुनाहट होगा जिसमें डक्ट नहीं होगी इसमें क्रेनल नर्व एट टू टेन पर होगी ये होते हैं पॉइक्लोथर्मिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ठीक है ना ये होते हैं पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स इसका मतलब दीज आर बेसिकली एक्टोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड अब आप बोलोगे ये कोई वर्ड समझ में नहीं आया हमको तो देखो बेटा ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के तापमान से बदल जाता हो ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर एक्टो मतलब बाहर के तापमान के अनुसार बदल जाता है बाहर ठंडी पड़ी बॉडी ठंडी हो गई बाहर गर्मी पड़ी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते दे दे कैन आर अनेबल टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी बॉडी टेम्परेचर और इसलिए इनको एक्टोथर्म बोलते हैं और ये कोल्ड ब्लड वाले एनिमल कहते हैं अपने शरीर के ब्लड के टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं रख पाते हैं वार्म नहीं रख पाते फिर इनके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं पॉइक्लोथर्मिक वर्ड यूज करते हैं तो याद रखिएगा बेटा पॉइक्लोथर्मिक बेसिकली एक्टोथर्म होते हैं कोल्ड ब्लड वाले एनिमल होते हैं ठीक है देखिए ये हम देख रहे हैं एग्नेटा ठीक है है ना अब इसमें दो क्लास होती है बेटा ऑस्ट्रेकोडर्मी सबसे पहली क्लास थी जो सभी एक्सटिंग लिविंग क्लास जो नहीं है इट इज दी

ये इसका माउथ है जो कि आपको सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है है ना ठीक है ठीक है ना देखिए ना सामने से देखते हैं का फ्रंट ठीक है सर्कुलर माउथ ठीक है और जितने भी स, जो जितने भी साइक्लोस्टोमेटा है ना दे ऑल आर एक्टोपेरासाइट सभी के सभी एक्टोपेरासाइट ऑन फिशेज मछलियों के एक्टो साइड होते हैं थाके? ये एक बड़, इसे मान लो मैंने कहा कि ये एक मछली है ये एक मछली है ठीक है इस मछली से ये ऐसे जुड़ जाते हैं

देखिए मैंने कहा ना एक फिश है उस फिश की बॉडी पर यह है यह है साइक्लो स्टोमेटा ठीक है ये एक नॉर्मल बॉनी फिश है ठीक है उसकी बॉडी में ये जुड़े हुए हैं ठीक है देखिए है ना मछली को निकाला उसमें दिखाई पड़ रहा है आपको ये देख रहे हैं आप दीज आर दी साइक्लोस्टोमेटा ठीक है क्लियर एकदम बेटा याद रखो ना अभी मैं आपको चाहता हूं कि आप जब एनिमल किंगडम का लेक्चर देखते ना उसी में याद कर ले आपके इसलिए मैं स्लो भी हूं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं और वहीं याद कर लो बाद के बाद में नहीं कर पाओगे बेटा इतना वक्त नहीं है आपके पास में क्या लेक्चर के दौरान ही याद किया करो ठीक है चलिए साइक्लो मतलब साइक्लस सर्कुलर स्टोमा मतलब ओपनिंग और माउथ ठीक है राउंड और सर्कुलर माउथ वाले एनिमल होते हैं फिश के समान दिखाई पड़ते हैं इसमें आते हैं लैम्प्रे और हैकफिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि साइक्लोस्टोमेटा में कौन से मेंबर है क्या उसके एग्जांपल है लैम्प्रे और हैगफिश के एग्जांपल है ऑल आर एक्टोप्रासाइट ऑन सम फिश मछलियों पर एक्टोप्रासाइट होते हैं माउथ इनका वेंट्रल होता है मतलब ये ऐसे होते हैं तो ये है तो इनका माउथ ऐसा होगा वेंट्रल ये माउथ होगा इनका ठीक है ठीक है है ना सक्टोरियल होता है सक, सक करने वाला होता है सर्कुलर माउथ होता है बॉडी इलांगेटेड होती है ईल के समान लंबी होती है बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं और जॉ और लेट्रल फिन देखो मैंने फिन बनाया क्या फिन फिन भी नहीं नहीं होते इसके अंदर ठीक है जॉ नहीं होता है इसके अंदर बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होता है इसके अंदर, दिखते है ये ईल फिश यानी ईल मछली होती है ना लंबी से उसके समान ये दिखाई पड़ते हैं लेकिन ये एक्चुअल एक्चुअल फिश नहीं है एक्चुअल फिश क्या होते हैं पिसेस के मेंबर होते हैं के? तो जो हैग फिश है इट इज नॉट इट इज नॉट ट्रू फिश ये ट्रू फिश नहीं है ये ट्रू फिश नहीं है ट्रू फिश क्या है बेटा जो पिशेस के मेंबर हैं वही ट्रू फिश होते हैं कि ये ट्रू फिश नहीं होती है ठीक है ना दिस इज नॉट ए ट्रू फिश फिश ठीक है देखिए आप ना किस तरह के दिखाई पड़ते हैं एक सिंगल नॉस्ट्रिल होगा सिंगल नॉस्ट्रिल दिखाई पड़ रहा है आई दिखाई पड़ रही है दोनों दोनों तरफ आई है इसमें ठीक है ना ये आप इसका हेड देख रहे हैं इसका बक्कल टनल देख रहे हैं एक्सटर्नल स्लिट दिखाई पड़ रहा है आपको ठीक है और इसमें आपको जो लेटरल फिन जो लेटरल फिन होते हैं वो इसमें आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे इसमें और आपको दिखाई पड़ रहा है ये इसका ट्रंक और क्लोरिकल एपरेचर आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक है ना इसमें सिक्स टू 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स 16 6 6 से 6 से 15 6 से 15 गिल स्लिट्स के जोड़े देखने मिलेंगे आपको इसमें और ये गिल स्लिट जो होते हैं वो पाउच के समान ये एग्जाम का क्वेश्चन है ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले के एग्जाम में बेटा आ चुका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सिंपल सा क्वेश्चन था किसके अंदर आपको गिल स्पाउच के समान दिखाई पड़ेंगे तो गिल गिल स्लिट्स जो होते हैं किसके अंदर गिल स्लिट्स आपको पाउच के समान दिखाई पड़ेंगे तो पाउच के समान दिखने वाले गिल स्लिट्स हमको देखने मिलते हैं साइक्लोस्टोमेटा में देखने मिलते हैं हमको जो है और हैग फिश में देखने मिलते हैं इनको हम ब्रेंकी कहते है ठीक है। कोई गया कि किस में गिल्स पाउच, पाउच लाइक तो है तो साइटोटाट देखने क्रेनियम और वर्ट्यूल कॉलम कार्टिलेज से बना होता है स्किन सॉफ्ट होती है चिकनी होती है स्लाइमी होती है स्मूथ होती है स्केल्स नहीं पाए जाते हैं फिन जोड़े में फिन नहीं होते फिन्स के फिन्स जो होते हैं वो जोड़े में हमको देखने नहीं मिलते हैं से बना हुआ होता एयरबलेटर याद रखिएगा खतरनाक शिकारी है पानी के अंदर लेकिन शार्क को सुकून नहीं है चेन नहीं है उसको पूरे समय तैरना पड़ता है नहीं तैरेगी तो डूब जाएगी पानी में तो पानी के अंदर रहती है पानी के अंदर सिंक कर जाएगी वो तो उसको बच, उसको जमी और गहराई में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है क्योंकि उनके पास में एयर ब्लेडर नहीं होता जबकि बाकी दूसरी जो मछलियां जो बोनी फिश हैं जो बोनी फिश है उनमें एयर ब्लेडर देखने मिलता है जो उसको तैरने में ऊपर जो है वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है हेल्प करता है तो इनमें एयर ब्लेडर देखने नहीं मिलता बॉडी में किसमें लैम्परे में और हैक फिश में इंटेस्टाइन में एक फोल्ड देखने मिलता है टाइफोसोल कहते हैं टाइफोसोल इंटेस्टाइन के अंदर मिलने वाला एक तरह का जो है फोल्ड होता है जो इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है और यही टाइफोसोल के बारे में बात किया था हमने अर्थवर्म अर्थ में अर्थवर्म की

इरेगुलर और न्यूक्लियस वाली आरबीसी होती है एट से टेन पेयर ऑफ ट्रेन नर्व होती है एक ऑलफेक्ट्री सेक से होता है एक ऑलफेक्ट्री सेक क्यों होता है क्योंकि एक ही तो नॉस्ट्रिल होती है इसमें ठीक है इसलिए एक ऑलफेक्ट्री सेक होता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गेनाइर प्रेजेंट ऑन तो, अब देखो जितने भी एक्वाइटिक एनिमल होते हैं एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मछलियों के अंदर मिलती है आपको पानी के अंदर जीवों की अंदर जो वेव्स होती है जलधारा होती है जलधारा का प्रभाव होता है जो तरंगे होती है पानी की उसको ये महसूस कर लेते किस दिशा में वेव जा रही है और मुझे कहां मूव करना है उसके लिए सेंस ऑर्गन होता है उसको लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होते अच्छे सुन लो बेटा कि पानी के अंदर रहने वाले जीव को यह मालूम होना चाहिए कि पानी की जो जो तरंग है जल की धारा किस दिशा में जा रही है और उसे कहां जाना है उसको पता लगाना पड़ेगा सेंस करना पड़ेगा उसके लिए उसके पास में जो सेंस ऑर्गन होते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन कहते हैं एक गुनाड होता है गुणोरक्ट होती नहीं इसमें गैमिट जो होते हैं वो सीलोम में रिलीज होते हैं और फिर ये बेसिकली जो ट्रैक होता है उसके थ्रू वो क्लोएका में जाते हैं 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 देन बाहर निकलते उनके तो जो होते वो सीलोम में रिलीज होते हैं फर्टिलाइजेशन बाहर होता है क्योंकि कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन इसमें होते नहीं है तो <-tleshydesion> <that -s relief> so, यहां पर फर्टिलाइजेशन yeah, जो होता है वो बाहर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इंटरेस्टिंग बात ये कि इन साइक्लोस्टोमेटा के साथ एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी होती है कि जब बेसिकली ये जो ये जो एनिमल होते हैं ये समुद्री एनिमल होते हैं ठीक है और जब इनको अपने अंडे देने होते हैं जब इनको अपने अंडे देने होते हैं बच्चे संतान उत्पत्ति करनी होती है बच्चों को जन्म देना होता है तो अपने अंडे देने के लिए ये समुद्र से निकलकर फ्रेश वाटर तक पहुंचते हैं ठीक है मतलब सोचिए कि ये इतना लंबा लंबा सफर तय करते हैं और समुद्र के से, से मूव करते हुए ये फ्रेश वाटर तक पहुंचते हैं वहां जाकर अपने अंडे देते हैं और वो मर जाते हैं क्यों मर जाते हैं क्योंकि समुद्र के पानी का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है और फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट कम होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो फ्रेश वाटर इनकी बॉडी के अंदर आता है इनकी बॉडी फूल जाती है और ये मर जाते हैं मतलब अपने अंडे देने के लिए इनको मरना पड़ता है वहां तक पहुंच के ये मर जाते हैं फिर के फिर उससे लार्वा बाहर निकलते हैं अंडों से कुछ दिनों बाद लार्वा बाहर निकलते हैं लार्वा जो बाहर निकलता है वो फ्रेश वाटर में बाहर निकलता है और वो अपने आप आपको मेटामोरफोसिस करता है और उसको क्या होता है उसको उसको समझ में आता है कि ये फ्रेश वाटर मेरे लिए नहीं है मुझे मूव करना पड़ेगा वहां से निकल के जहां से उसके माता पिता आए थे ना जिस समुद्र से वहां वापस पहुंच जाता है द रिटर्न टू वाटर इंटरेस्टिंग दुनिया भर के वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि इनको रास्ता कैसे मालूम है कैसे पहुंच जाते हैं ये क्यों ऐसा होता है क्यों एक जीव अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है अंडे देने के लिए वहां पहुंच रहा है वहां जाके मर जाता है फिर अंडों से लार्वा निकलता है वापस समुद्र नहीं पूरी जिंदगी इसी में निकल गई समुद्र में बड़े हुए अंडे देने का वक्त आया फ्रेश वाटर गए मर गए और वहां से बच्चा निकला बाहर वो समुद्र में आया फिर वापस फ्रेश वाटर में मूव किया सोचिए जीवन का एक समय लार्वा से मेटाफॉर्मिस हुआ जब निकला उससे जो जब डेवलपमेंट चल रहा था तो वो समुद्र की ओर मूव कर दिया वहां एडल्ट हुआ जाके वहां से फिर वापस आके फ्रेश वाटर की ओर आ गया ये इनके जीवन का हिस्सा है लार्वा रिसेम्बल करते हैं किसके समान लैंसलेट के समान

यंग लैम्प्रे माइग्रेटिंग डाउन स्ट्रीम लैम्प्रे समुद्र में आया फीड किया, तो के? और अपने किया उसने रिवर की ओर जाने के बाद बेटा वो, वो मैटिंग के लिए कहा गया रिवर की ओर गया रिवर में मैटिंग किया उसने उसके बाद क्या क्या दोनों अंडे देने के लिए वहाटिलइन वहाँ अंडे दिए गए हाँ पे और फाइनली क्या हुआ उस अंड, वो अंडे जो है वो वो आ, उन, वो अंडे जो है उसने वहां पे इस, म, म, जो म, जो नदी थी उसमें रेत में दबा दिए तो उससे जो लार्वा बाहर निकला जाए और लार्वा वापस समुद्र की ओर आ गया ये इसके जीवन का हिस्सा होता है ठीक है फॉर फीडिंग

ठीक है एग्जाम्पल क्या है लैम्प्रे और फिश, के फिश्रे का साइंटिफिक नेम क्या है पेट्रो, पेट्रो के, और मिगजीन याद रखना है भूलना है, नहीं दोनों चलिए ये देखिए आपके आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप ठीक है ये आप देख रहे हैंगफिश ठीक है देख रहे आपको बकायदा माउथ दिखाई ये इसका सक्ट्रोल माउथ ये इसका माउथ है इसमें भी आप देख रहे थे इसमें पहले वाले इसमें भी देखिए ये इसका माउथ है ठीक है है ना एनसीईआरटी में क्या लिखा है क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपरासाइट ऑन सम फिशेस पढ़ चुके हैं इसको दे हैव एन इलॉन्गेटेड बॉडी जो कि ईल लाइक इसे बोलते हैं ईल लाइक बॉडी ठीक है जिसमें 6 टू 15 पेयर ऑफ गिल होते हैं श्वसन के लिए साइक्लोस्टोम हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथआउट जॉ इसका माउथ सकिंग सर, होता है सर्कुलर होता है इसमें जॉ नहीं होते ठीक है बॉडी पर स्केल्स नहीं होते और पेयर्ड फिन नहीं होते क्रेनियम और वर्ट्यूअल कॉलम कॉटलेस से बना होता है सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं पर ये अपने संतान उत्पत्ति के लिए बच्चों को उत्पन्न करने के लिए स्वामिंग के लिए क्या करते हैं फ्रेश वाटर में जाते हैं फिर वहां पर अपने अंडों को देने के बाद वहां से वो जो है वो कुछ दिनों में मर जाते हैं ठीक है ना और लार्वा उनके जो है मेटामॉर्फिस के बाद वापस समुद्र में लौट कर आते हैं साफ साफ लिखा हुआ है एनसीआर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम्पल क्या है इसका पेट्रोमाइजोन लैमप्रे कॉमन नेम लैम्प्रे मिग्जीन कॉमन लेम हैगफिश इसके एग्जाम्पल में आता है ठीक है ये एनसीआरटी में दिया गया इमेज है बेटा इसका याद रखिएगा पेट्रोमाइजोम क्लियर ठीक है चलिए अभी यहां पर बात खत्म करते हैं चाहूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं चाहू तो मैं अंदर आगे बढ़ सकता हूं लेकिन क्या होगा यदि हमने एक बार में दो दो चीजों को लिया तो वो कंफ्यूज करेगा इसका करेक्टर इसमें मिक्स कर देंगे तो आज हमने जो पढ़ा है ना लेक्चर के दौरान वो याद कर लो उसको तीन चार बार रिकॉल कर लो कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है किन किन चीजों पर मैंने इंफेसिस किया है उनको दिमाग में डाल लो अच्छे से ठीक है तो आज का काम खत्म डीपेस लगाएंगे चैप्टर क्लोज वाला हिस्सा के चैप्टर तो अभी बाकी है के फिर नेक्स्ट क्लास में बात बात करेंगे बात करेंगे हम हम के ऊपर देखेंगे कि कॉटली क्या होती है उसके बाद देखेंगे बोनी फिशेस क्या होती है थोड़ा बेटा मैं मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूं लेकिन जो चीजें लेकर आता हूं वो पुख्ता होती हैं फिर कोई आपके कॉन्सेप्ट को हिला नहीं सकता बेटा ठीक है ना तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट